हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम तरबूजे का हलवा बनाएंगे। तरबूजे का हलवा बनाने के लिए हम तरबूजे के छिलके का यूज करेंगे, जिसे हम अक्सर फेंक देते हैं। इसके लिए कुछ तरबूजे के छिलके लेंगे और उनके ऊपर के हिस्से को निकाल लेंगे। अब इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। इसी तरीके से बाकी छिलके भी काट लेंगे। सारे छिलके कट गए हैं, अब इसे मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी होता है। ये अच्छे से पिस गया है। अब हलवा बनाएंगे। इसके लिए एक पैन गरम करेंगे। अब इसमें 4 चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच सूजी, 1 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे और थोड़ा चला लेंगे। गैस को मीडियम ही रखेंगे, वरना ये जल सकता है। इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें पिसे हुए तरबूज डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, ताकि इसमें कोई ढेले ना पड़े। अब इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। पांच मिनट हो गई हैं और ये हल्का गाढ़ा भी हो गया है। अब इसमें 1/2 कप चीनी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। चीनी डालने के बाद हम फिर से इसे अच्छे से गाढ़ा होने तक पका लेंगे। ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें 1/2 कप दूध, 1 चम्मच इलायची पाउडर डालकर मिला लेंगे। अब इसे फिर से अच्छे से पकने देंगे और गाढ़ा होने देंगे। ये काफी गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें कुछ कटे हुए बादाम, कुछ कटे हुए पिस्ता और कुछ कटे हुए काजू डालकर सभी को मिला लेंगे। ये
ये बन चुका है, अब गैस बंद कर देंगे। अब इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अब इसे गार्निश कर लेंगे। इसके लिए इस पर कुछ कटे हुए बादाम, कुछ कटे हुए पिस्ता और काजू रखेंगे। तरबूज का हलवा बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ये कुछ इनोवेटिव आइडिया है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।